हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले सोमवार को सरकारी अस्पतालों के डॉक्टरों ने पेन डाउन हड़ताल किया। वहीं इस दौरान डॉक्टरों ने किसी भी मरीज को नहीं देखा। सभी डॉक्टर ने 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल पर जाकर अपना विरोध जताया। हालांकि डॉक्टरों की पेन डाउन हड़ताल के दौरान सिर्फ आपातकालीन सेवाएं, प्रसव कक्ष और पोस्टमार्टम सेवाएं चालू रहीं ताकि मरीजों को ज्यादा परेशानी ना उठानी पड़े। चेतावनी भी दी कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो वो 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। हम आपको प्रदेश के अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां डॉक्टर्स ने हड़ताल किया है। करनाल, जींद, गुरुग्राम, रोहतक, नारनौल, नूह, यमुनानगर, फरीदाबाद की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो ये तस्वीरें आपने देखी जहां जहां प्रदर्शन किया गया है डॉक्टरों के द्वारा धरना। तो प्रदेश भर से डॉक्टरों ने हड़ताल की है, पेन डाउन हड़ताल डॉक्टरों के द्वारा की गई, जिनकी तस्वीरें ये आपके टीवी स्क्रीन पर। करनाल, जींद, गुरुग्राम, रोहतक, नारनौल, नूह, यमुनानगर और फरीदाबाद की तस्वीर। सर, मेरा नाम रमेश देवी है, द्रोहता से रहने वाले हैं। आंख दिखाने आई हूँ, डॉक्टर छुट्टी पे है। हड़ताल पर है? छुट्टी पर। हड़ताल पर। कितनी देर हो गई आप? मैं परेशान हूँ, घंटा भर हो गया। आपको नहीं लगता कि डॉक्टर के हड़ताल पर जाने से आपको परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, आंख में दर्द हो रहा है। रोशनी अस्पताल में क्या समस्या है? मेरे पेट में समस्या थी, डॉक्टर को दिखाने के हालत पेट के वाले के लिए वे आज हड़ताल पे हैं, आए नहीं। डॉक्टर के हड़ताल पर दर्शन में आपको नहीं लगता कि आपको परेशानी हुई? हाँ, परेशानी हुई जी, मेरे को पता नहीं था। आज स्ट्राइक पर हैं डॉक्टर, क्या कहेंगे, किस वजह से स्ट्राइक है, पहले अपने परिचय के साथ बताओ। देखिए, मैं HCMS जिला प्रधान डॉक्टर अनिल यादव, डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़। हमारी जो मांगे हैं, जैसा कि हमने पिछली बार हड़ताल की थी दिसंबर के अंदर, तो प्रमुख हमारी 4 मांगे हैं। एक तो डायरेक्ट SMO की जो भर्ती है उसको रोकने के बारे में हमारा सरकार को ये था कि गैजेट नोटिफिकेशन करवाया जाए और ताकि डायरेक्ट SMO की भर्ती रुक सकें। दूसरी जो हमारी मांग थी कि स्पेशलिस्ट काडर एक अलग से बनाया जाए। अभी जो है डॉक्टर काफ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों में बिजी रहता है, कभी कोर्ट जाना पड़ता है, कभी किसी पुलिस केस के लिए जो है बयान दर्ज करवाने पड़ते हैं। इसकी वजह से डॉक्टर जो है अपना समय मरीजों को कम दे पाता है। तो हम चाहते हैं एक स्पेशलिस्ट कैडर बन जाए ताकि स्पेशलिस्ट सिर्फ अपना स्पेशलिटी के हिसाब से काम कर सके। तीसरी जो हमारी मांग थी वो थी कि केंद्र के समान हमें भी 4 ACP दी जाए, 4, 9, 13 व 20 साल की सेवा के बाद जो ACP है वो हमें मिले। चौथी जो हमारी मांग थी वो थी कि PG बॉन्ड में रिडक्शन किया जाए। अभी 1 करोड़ का जो PG बॉन्ड है उसको 50 लाख पे किया जाए, क्योंकि बहुत से हमारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं और उनके लिए 1 करोड़ की श्योरिटी दे पाना बड़ा मुश्किल रहता है। तो इसके लिए हमने सरकार को 6 महीने पहले भी अपने आंदोलन के जरिए चेताया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ हमें आश्वासन दिया, दिलासा दिया। वह आज लगभग 6 महीने पूरे होने के बाद भी हमारी मांगें जस की तस हैं। तो हमारा इस हड़ताल के माध्यम से सरकार को यही चेताना है कि हमारी मांगें पूरी कर दीजिए ताकि हम स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा सेवाओं में सुधार किया जा सके, वह डॉक्टर्स जो है मरीजों को बहुत ही अच्छे से देख पाएँ व हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो। सर, जो आज आपकी स्ट्राइक है कितने समय तक के लिए? देखिए, हमने 8 जुलाई को DGHS हरियाणा जो है हमारे, उनको ज्ञापन दिया था, वह घेराव किया था उनके ऑफिस का। इसके बाद आज 15 जुलाई को हमारी 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है जो 9 से 11 बजे तक चलेगी। वह 25 जुलाई से हमारी जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल चालू हो जाएगी अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी। डॉक्टर हैं, उनकी पेन डाउन स्ट्राइक है 2 घंटे के लिए, क्या क्या डिमांड्स है और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है? हमारी डिमांड्स बहुत पुरानी डिमांड्स चल रही हैं, कोई ये आज की डिमांड नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट हम जो सरकार को बार बार कहते रहते हैं कि जो डॉक्टर्स की शॉर्टेज है पूरे प्रदेश में उसको दूर करने के प्रयास किए जाएँ, उसको दूर करने के लिए सरकार कुछ स्टेप ले। और ये हेल्थ इतना इम्पोर्टेंट इश्यू है, इसको सरकार गंभीरता से लेते हुए डॉक्टर्स की कमियां दूर करें और क्वालिटी ट्रीटमेंट के लिए सरकार इसमें थोड़ा सा अपना इंसेंटिव इनिशिएटिव ले।
हम ये बताना चाह रहे हैं, हम कोई डॉक्टर्स क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। एक डॉक्टर 200 से 250 मरीज देख रहा है प्रतिदिन, और जो WHO के IPCS जो स्टैंडर्ड्स हैं वो ये है कि 60 से 70 मरीज एक डॉक्टर को एक दिन में देखने चाहिए। तो हम कोई न्याय नहीं कर रहे हैं लोगों के साथ। इसी तरह से डॉक्टर भी परेशान है और पब्लिक भी परेशान है। तो क्वालिटी ट्रीटमेंट देने के लिए डॉक्टर्स की संख्या ज़्यादा होनी चाहिए हमारी स्टेट में। हमारी स्टेट में कम से कम 10,000 डॉक्टर्स काम करने चाहिए इस समय सरकारी संस्थाओं में, लेकिन सिर्फ 3,000 डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। तो एक डॉक्टर पर कितना बोझ आप देख सकते हैं। इन्हीं चीज़ों के चलते हमने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे टाइम टू टाइम, स्पेशलिस्ट की कमी दूर करने के लिए स्पेशलिस्ट को कुछ अच्छा एक कार्डर बनाया जाए, उनके लिए कुछ अच्छे पैकेज दिए जाएँ। सरकार ने 6 महीने पहले इन सारी हमारी बातों पर सहमति जता दी थी। दूसरा हमारा जो इशू था वो था कि डायरेक्ट असमो की भर्ती पर रोक लगा दी जाए। तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट इशू था कि जो हमें ACPs और अलाउंसेस सेंटर की तर्ज पर दिए जाएँ। चौथा हमारा इंपॉर्टेंट इशू था कि डॉक्टर्स को जो बॉन्ड भरना पड़ता है PG के लिए वो 1 करोड़ भरना पड़ता है, उसके लिए 50 लाख का बॉन्ड किया जाए। हमारी 6 महीने पहले उस समय के जो हमारे मंत्री जी थे विद साहब, उनकी अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी। सरकार ने सारी बातें हमारी मान ली थी और उनको रिटर्न में दे दिया था कि टाइम बाउंड मैनर में करेंगे। लेकिन 6 महीने के बाद भी जब स्थिति ज्यों की त्यों है तो डॉक्टर्स दोबारा से आंदोलन के लिए विवश किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा कारण इस आंदोलन में हमारा DG हेल्थ ऑफिस है, उनकी तरफ से हमारी काफ़ी फाइलें यहाँ से ही नहीं चलाई गई। हमारी जो 2 इंपॉर्टेंट फाइल थी डायरेक्ट SMO की और अलाउंसेज की, वो DG ऑफिस से ही 6 महीने तक नहीं चली। अब जब दोबारा हमने आंदोलन शुरू किया है 1 जुलाई से, तब जाकर उन फाइल्स को यहाँ से चलाया गया है। और जो हमारी इशूज़ हैं, जैसे हमारी प्रोबेशन है, प्रमोशंस हैं, LTC है, NOCs हैं, सबसे ज़्यादा समस्या हमारे लोग डॉक्टर्स को हमारे DG ऑफिस से है। यहाँ इतना डॉक्टर्स चक्कर काटते रहते हैं अपनी डिमांड्स को लेके, अपने इशूज़ को लेके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए सारे पर इतने हद तक रिजेंटमेंट आ गई है डॉक्टर्स के कि लोग नौकरी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन सरकार को इसकी सुध लेनी चाहिए। हेल्थ के डॉक्टर्स एक इंपॉर्टेंट पिलर है हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए, उनको कैसे रोकना है। आज एक मीटिंग हमें बताई गई है कि आज शायद एक CM साहब के वहाँ अध्यक्षता में एक मीटिंग है, हमारे DG साहब सब वहीं जा रहे हैं 1 बजे। देखते हैं उस मीटिंग का क्या आउटकम रहता है, लेकिन सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट को गंभीरता से लेना पड़ेगा। तो आगे 25 जुलाई का भी एक बड़ा आंदोलन आपने कहा था, डेफिनेटली वो हमारा आज भी स्टैंड करता है। अगर सरकार ने अभी भी इस चीज़ को गंभीरता से नहीं लिया तो 25 जुलाई को हम सारी सर्विसेज, एमरजेंसी, OPD, पोस्टमार्टम, सारी सर्विसेज करने को मजबूर हो जाएंगे, जो कि हम नहीं चाहते हैं। हम फिर भी सरकार से ये कहते हैं कि इसका टाइमली संज्ञान लेके इसको समाधान करें। वहीं करनाल के अस्पताल में लोगों से हमारे संवाददाता ने बातचीत की, मरीजों को कैसे परेशानी का सामना करना पड़ा आप खुद सुन लीजिए। अपनी मांगों को लेकर हरियाणा के सरकारी डॉक्टर्स आज हड़ताल पर हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक OPD बंद रखी गई है। तस्वीरें आप देख लीजिए कि किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल्स में मरीजों की कतारें सुबह से लगी हुई है, लेकिन मरीज आज बेहाल है क्योंकि इनको देखने वाला कोई डॉक्टर अपनी कुर्सी पर मौजूद नहीं है। हड़ताल का सीधा असर ऐसे मरीजों पर पड़ रहा है जो सरकारी हॉस्पिटल में आज इलाज की उम्मीद से आए थे। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो मरीज हैं दूर दराज के इलाकों से, गाँव से आए थे, वो इंतजार कर रहे हैं ताकि हड़ताल खुले और उनको डॉक्टर के दर्शन हो। काफी कुछ असर है, मरीज जो है उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? कहाँ से आए हैं आप? बिहार के हैं। यहाँ हॉस्पिटल किस लिए आए थे? कुत्ता काटा लिया है, टीका लगा लिया है। अच्छा, कुत्ता काटा है। तो मिला है कोई डॉक्टर यहाँ? नहीं नहीं मिला है। आपका क्या नाम है जी? सुभाष। आप कहाँ से आए जी? मैं गाँव मालिकपुर से। किस लिए आए थे? दवाई लेने के लिए आया था। जी घंटा डेढ़ घंटा सारे हो गया, कह रहे 11 बजे खुलेगी पर्ची भी। 1 घंटे से ही खड़े हैं आप जी? मेरा नाम महिंदर है जी। बस्ताड़े से आए दांत दफाने के लिए। कोई मिले नहीं आया? कोई नहीं है डॉक्टर? कोई नहीं है। कुछ बता रहे हैं? कुछ नहीं बता रहे, कोई आया नहीं बताने वाला। आपका क्या नाम है जी? वाली। आप किस लिए आए थे जी? दांत दिखाने। मिले हैं डॉक्टर यहाँ? नहीं, डॉक्टर तो है पर ये पर्ची पे मोहर लगेगी, जब भी तो डॉक्टर के पास जाएंगे। ऐसे थोड़ी देर। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं आप? 10:15 आए थे। 10:15 बजे आए थे। आप कहाँ से आए जी? जी। किस लिए आए थे? मेडिकल करवाने से पूर्व। तो मिला है डॉक्टर को यहाँ? नहीं। क्या कह रहे हैं? यहाँ पर्ची कटवानी थी पहले, पर्ची बनाकर देंगे जब भी जाना। कोई डॉक्टर नहीं मिला? डॉक्टर ये पर्ची बनेगी जब भी तो जाएंगे डॉक्टर के पास। तो बिल्कुल देखिए, आज OPD की हड़ताल रखी गई है और ये विंडो है जहाँ पर सबसे पहले पेशेंट को पर्ची बनवानी होती है डॉक्टर, ताकि डॉक्टर उसका चेकअप कर सके। आप देख सकते हैं लंबी कतार है और यही स्थिति अंदर के
अस्पताल की भी वो आपको दिखाएंगे किस तरह से इंतजार लोगों को करना पड़ रहा है, मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है, क्योंकि आज सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ओपीडी में हड़ताल रखी गई। आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी यहां पर मौजूद हैं जो इलाज के लिए आई थी, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ रहा है। आपके साथ हैं कोई नहीं मिले यू कह रहे 11 बजे आवांगा ठीक कह रहे हम तो पड़ गए जी बैठे नहीं गए मेरे को दिक्कत है मेरे को पुंडरी की लाइन। बिल्कुल देखिए ये बुजुर्ग महिला है जो पुंडरी गांव से आई है, दिक्कत ज्यादा है। सुबह 8 बजे ही हॉस्पिटल आ चुकी थी लेकिन डॉक्टर नहीं देख रहे। अंदर की तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो ओपीडी में डॉक्टर हैं वो सीट खाली है क्योंकि आज हड़ताल है, तो ऐसे में मरीजों के लिए आज दिक्कत भरा दिन हो सकता है। आप देख सकते हैं ये ओपीडी रूम है, फिलहाल जो है डॉक्टर साहब कुर्सी पर मौजूद नहीं है क्योंकि हड़ताल जो है वो कर रखी है। आज 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये हड़ताल की गई है और इसका सीधा असर जो पेशेंट सरकारी अस्पताल में इलाज की उम्मीद से आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगला अल्टीमेटम भी जारी कर दिया गया है डॉक्टर्स की तरफ से, यदि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो वो 25 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज की जो आंशिक ओपीडी की हड़ताल थी उसका सीधा खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ा है। करनाल से महेंद्र सिंह, न्यूज हरियाणा।